हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं बनाने वाला हूँ एक रिचार्जेबल स्क्रू ड्राइवर मशीन। इसकी मदद से आप किसी भी स्क्रू को आसानी से खोल सकते हो, साथ ही साथ उसे टाइट भी कर सकते हो, तो काफ़ी यूज़फुल गैजेट है। अगर आप ये स्क्रू ड्राइवर मशीन बनाते हो तो आपकी समय की काफ़ी ज़्यादा बचत होगी। तो चलिए गाइस, इस इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर को बनाना सीखें। तो यहाँ पर गाइस मैंने बिजली फिटिंग में यूज़ में लेने वाले PVC पाइप लिया है। इसमें मैं 14 सेंटीमीटर में एक मार्किंग लेकर इसे हैक्सा ब्लेड की मदद से कट कर लूँगा। कट करने के बाद गाइस इसके किनारे थोड़ा से खुरदुरा रहता है, तो सैंड पेपर की मदद से मैं इसे अच्छे से घिस करके दोनों किनारों को मैं स्मूथ कर लूँगा। यहाँ पर गाइस मैं PVC शीट ले रहा हूँ। इस PVC शीट के ऊपर PVC पाइप को रख करके इसके चारों ओर मार्किंग ले लूँगा। अब किए गए मार्किंग को मैं इस कैंची की मदद से कट कर लेता हूँ। इसी टाइप से आपको 3 सर्कल कट करके रख लेना है। गाइस ये इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर रिचार्जेबल होने वाला है, तो यहाँ पास मैं एक 18650 लिथियम आयन बैटरी ले रहा हूँ और इस बैटरी को चार्जिंग करने के लिए मैं एक TP4056 चार्जिंग मॉड्यूल ले रहा हूँ। ये दोनों आपको इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की दुकान पर आसानी से मिल जाएगा। फ्रेंड्स, अब हमें इस चार्जिंग मॉड्यूल में वायरिंग करना है और आप अच्छे से जानते होंगे कि इसमें कहाँ कहाँ पर सोल्डिंग करना होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता दूँ। जो B+ और B- लिखा है, यहाँ पर हमें बैटरी कनेक्ट करना होता है और आउट प्लस और आउट माइनस में हमें आउटपुट मिलेगा जो कि मोटर के साथ कनेक्ट होगा। तो काफ़ी आसान सा कनेक्शन है, इसमें ऑलरेडी दिया होता है, लिखा होता है, तो उसके हिसाब से आप इसमें सोल्डिंग कर लेना। तो मैं फटाफट इसमें बैटरी भी कनेक्ट कर लेता हूँ। अब गाइस बैटरी वगैरह में सोल्डिंग करने के बाद इसके दोनों टर्मिनल पर हमें टेप लगाकर इसे अच्छे से इंसुलेट कर देना है ताकि इसमें शॉर्ट सर्किट ना हो। फ्रेंड्स, अब हमें एक 6 पिन का एक स्लाइडर स्विच ले लेना है। आप कोई दूसरा भी स्विच यूज़ में ले सकते हो जिसमें जो है 6 पिन दिया गया हो। इसकी मदद से मोटर का डायरेक्शन हम चेंज करेंगे। तो चलिए अब हम इसमें वायरिंग करते हैं। तो चार्जिंग मॉड्यूल का जो आउटपुट वायर बचा था, इसे हमें स्विच के सेंटर वाले पॉइंट पर सोल्डिंग कर देना है। अब एक एक्स्ट्रा वायर लेकर मैं यहाँ पर सोल्डिंग कर रहा हूँ स्विच के किनारे किनारे वाले पॉइंट पर। इन दोनों वायर को हमें क्रॉस में सोल्डिंग करना है, यानी देख सकते हो इस टाइप से। तो इसका कनेक्शन डायग्राम मैं आपको वीडियो में बीच में दिखा दूंगा, तो प्लीज़ वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। तो डायग्राम को देखकर आप आसानी से इस इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर की वायरिंग कर सकते हो। फ्रेंड्स, इस टाइप से मैंने पूरा कनेक्शन कर लिया है स्विच का और इस चार्जिंग मॉड्यूल का। तो यहाँ पर 2 वायर बचा है, येलो और ब्लैक कलर का, ये हमें मोटर के साथ कनेक्ट करना है। तो गाइस, इस इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर में मैं एक N20 गियर मोटर यूज़ करने वाला हूँ। इसे मैंने Amazon से ख़रीदा है, तो अगर आपको भी ख़रीदना है तो बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो चेकआउट जरूर से करना। यहाँ पर गाइस 2 वायर बचा था, ब्लैक कलर का और येलो कलर का, इसे हमें मोटर के साथ कनेक्ट कर देना है। तो देख सकते हो मोटर जो है चलने लगा है क्योंकि स्विच जो है ऑन है। तो यहाँ पर सेंटर में करने से स्विच ऑफ हो जाएगा और मोटर बंद हो जाएगा, और साइड साइड में घिसकाने पर मोटर की डायरेक्शन जो है चेंज होगी। फ्रेंड्स, जो हमने शुरू में PVC शीट से सर्कल कट किया था, इसे हमें अब ले लेना है और इसके सेंटर में मैंने होल भी कर लिया है मोटर में दिए गए होल के अनुसार। तो यहाँ पर मैं इस PVC शीट को मोटर के ऊपर इस टाइप से स्क्रू की मदद से लगा दूंगा। आप इसे यहाँ पर डायरेक्ट चिपका भी सकते हो। यहाँ पर गाइस मैं PVC पाइप के ऊपर स्विच के साइज की मार्किंग लेकर इसे कट कर लूँगा। यहाँ से हम स्विच को थोड़ा बाहर निकाल लेंगे ताकि हम मोटर को बाहर से ही ऑन ऑफ कर सकें। तो ये मैंने PVC पाइप के ऊपर होल बना लिया है। अब हम चार्जिंग मॉड्यूल और बैटरी वगैरह को इस पाइप के अंदर डाल देंगे और स्विच को थोड़ा बाहर निकालते हुए हम यहाँ पर इसे फेविक्विक की मदद से चिपका लेंगे। और ध्यान से यहाँ पर फेविक्विक की मदद से चिपकाना, नहीं तो स्विच के अंदर चला जाएगा तो स्विच आपका ख़राब हो सकता है। तो यहाँ पर से इसे सावधानी से चिपकाते हुए हम इस मोटर को भी अंदर डाल लेते हैं। तो यहाँ पर अच्छे से इसे फिक्स करना है ताकि जब मोटर जो है अच्छे से पावर लगाए तो ये खुले ना। तो इसे अंदर डालने के बाद हम फेविक्विक की मदद से इसे चिपका लेते हैं। इसी टाइप से जो पीछे का चार्जिंग मॉड्यूल है, इसे भी हमें कवर करना है। तो ये मैंने PVC शीट से सर्कल कट कर लिया है और उसके सेंटर में भी होल बना लिया है। तो इसे मैं फेविक्विक की मदद से PVC पाइप के अंदर चिपका लेता हूँ। फ्रेंड्स, अब मैं एक 2 पिन प्लग ले रहा हूँ। इस प्लग को तो मैं सबसे पहले खोल लेता हूँ और इसके अंदर जो ये पिन मिलता है, इसकी मदद से हम मोटर का शाफ्ट कनेक्टर बनाएंगे जो कि स्क्रू ड्राइवर की बिट को यहाँ पर एक मोटर के साथ कनेक्ट करेगा। तो सबसे पहले तो हम इसे पिन को बीच से थोड़ा कट कर लेते हैं ताकि मोटर का शाफ्ट यहाँ पर फिट हो सके। तो ये कटर मशीन को मैंने घर पर ही बनाया है। इसकी मेकिंग वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप भी ये कटर मशीन घर पर बना सकते हो। काफ़ी ज़्यादा पावरफुल वो कटर मशीन है। तो गाइस, यहाँ पर मैं मोटर के शाफ्ट पर एक जेल पेन का रिफिल यहाँ पर लगा रहा हूँ
तो ये थोड़ा टाइट है, तो इसलिए मैं इसे थोड़ा गर्म करके इसे अच्छे से फिट कर दूंगा। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा फेविक्विक लगाकर इस 2 पिन प्लग के पिन को यहाँ पर फिट कर लेता हूँ कुछ इस टाइप से, तो ये काफ़ी अच्छे से फिट हो जाएगा, आप देख सकते हो। तो और मजबूती के लिए आप इसके अंदर फेविक्विक भी डाल सकते हो। तो गाइस अब चलिए आपको इसका सर्किट डायग्राम भी दिखा देता हूँ। तो ये रहा इस इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर का कनेक्शन डायग्राम। इस डायग्राम को देखकर आप आसानी से इस इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर की वायरिंग कर सकते हो। तो चलिए गाइस यूज़ करने से पहले इसे इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर को चार्जिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर चार्जिंग करते समय इसमें रेड LED लाइट जलेगा जो कि इंडिकेट करता है बैटरी लो है। जब बैटरी फुल चार्ज हो जाएगा तो इसमें जो है ब्लू कलर की LED ग्लो करेगी। तो यहाँ पास गाइस इस टाइप के बिट आपके पास भी होगा स्क्रू ड्राइवर का, तो उसे आपको मोटर के शाफ्ट पर इस टाइप से लगा देना है। तो फ्रेंड्स देखिए जो हमने शाफ्ट कनेक्टर बनाया है वो कितने अच्छे से वर्क कर रहा है और जो बिट है वो काफ़ी अच्छे से यहाँ पर फिट हुआ है। तो चलिए अब इसकी टेस्टिंग करते हैं। तो देख सकते हो गाइस कितने अच्छे तरीके से स्क्रू को टाइट कर रहा है। इसी टाइप से आप स्क्रू को खोल भी सकते हो। अगर इस इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर की बैटरी ख़त्म हो जाए तो आप इस टाइप से नॉर्मल स्क्रू ड्राइवर की तरह भी इसे यूज़ में ले सकते हो स्क्रू को टाइट करने के लिए या फिर ढीला करने के लिए। तो इस टाइप से आप इसे नॉर्मल यूज़ में भी ले सकते हो। अगर आपका मन करे तो आप इसे फिर से मोटर के साथ भी चला सकते हो। आप भी इसे ज़रूर से अपने घर पर बनाइएगा गाइस, काफ़ी यूज़फुल गैजेट है, आपका काफ़ी ज़्यादा समय बचेगा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको यह वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करना और इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से करना।